जी तो दोस्तों, मैं तो उस पहाड़ी पे जाने के लिए लग गया हूँ लाइन में, और मुझे कितना आगे चलना है कि यहाँ पे बस पीछे देखिए लोग रहे हैं जी हंस। दोस्तों क्या नाम है, बहुत से तफरी मौका बात है। ये देखिए ये जंगल है दोस्तों, असल में मैं इस जंगल में पहुँचना चाहता था, तो इस जंगल में पहुँच जंगल में मंगल। जी तो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही बुलंदी पे, और मैंने ले ली है बाइक किराए पे, रेंट पे। ये देखें जी, 10 युआन है जी इसका किराया। तो वहाँ पे जाने के लिए मुझे लग जाने थे 10 घंटे पैदल, क्योंकि वो पहाड़ी थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं बाइक यहाँ पे ले लूँ। तो ये देखे दोस्तों, ये एक पर्सन से 10 युआन चार्ज करते हैं, और अगर आप एक हो तो फिर 20 युआन, और अगर आप 2 पर्सन हो तो फिर आपसे ये 10-10 युआन लेते हैं। तो ये पहाड़ी है, जंगल से होके जाना है, तो इसलिए मैंने कहा कि क्यों ना यहाँ से बाइक है ये ही ले ली जाए। तो आप देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा है। है तो थोड़ा सा डेंजरस। मैंने पहले डिसाइड किया था कि वहाँ पर जाऊँगा बाइसाइकिल, लेकिन मैंने कहा कि बाइसाइकिल पर जाता हूँ बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने कहा कि इस बाइक पर ही अपना ब्लॉग बनाता हूँ और आप लोगों को भी बताता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ये बाइक ले लेता हूँ। ये जी हम पहुँच गए हैं, आगे का मंजर भी देखते हैं जी, आगे का मंजर क्या है जी। तो दोस्तों, मैं तो उस पहाड़ी पे जाने के लिए लग गया हूँ लाइन में, और मुझे कितना आगे चलना है कि यहाँ पे बस टाइप है छोटी सी, जिसे कहते हैं ना लोडर रिक्शा, चाइना का लोडर रिक्शा, वहाँ पर मैं बैठूँगा और उसका हम कर रहे हैं वेट। ये देखिए ये बसेस भी हैं, बट दिस आर वेरी कॉस्टली, ये कुछ 100-150 युआन लेती हैं और आपको वेट भी करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि वेट करने से बेहतर है कि अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा जाए ताकि टाइम बचाया जाए। ये जी दोस्तों, वो गाड़ी है जिस पर मैं गया हूँ बैठ चाइनीज़ लोगों के साथ, और देखते हैं जी अब ये कैसे चलती है और कितनी दूर तक जाती है। मैं तो इस पहाड़ी पे पहुँचना चाहता था और मैं मज़ा लेना चाहता था। तो पीछे देखिए लोग रहे हैं जी हंस। दोस्तों जाना में बहुत से तफरीह मकामात हैं, एड्रेसेस, सिटीज, देन यू कैन अप्रोच इजीली। तो ये देखें ये जंगल है दोस्तों, असल में मैं इस जंगल में पहुंचना चाहता था, तो इस जंगल में पहुंचने के लिए हमें इस सवारी का सामना करना पड़ा, इस सवारी को लेना पड़ा। तो लोग पैदल भी आ रहे हैं, जो लोग बहुत बहादुर हैं, लेकिन चूंकि मैं बहादुर नहीं हूँ, कभी कभी बन जाता हूँ लेकिन इतना नहीं अपने कंट्री पर बात। ये देखे दोस्तों,
ये है जी जंगल, जंगल में मंगल। दोस्तों मुझे इसकी टिकट मिली है जी 10 युआन में, 10 युआन ये, 10 युआन वो मोटर वाला, तो मेरे बने हैं टोटल दोस्तों 20 युआन। 20 युआन में भी अगर मैं इस पहाड़ी पे चढ़ जाऊँ तो डॉक्टर यन सत, डॉक्टर सत, डॉक्टर सन यन सन की मेमोरियल पे, तो सुने समझे कि बहुत बड़ी बात है। तो आगे ये एक दफ़ा और मूव करेगा, और यकीन करें डेंजरस भी है कि झाड़ियों से कुछ निकल ना आए, ये देखें। लेकिन मुझे लगता है कि हम पहुँचने वाले हैं। ये इतना ज़्यादा सफ़र नहीं था, 1.5-2 मिनट का सफ़र था दोस्तों, लेकिन चूँकि रास्ते में झाड़ियाँ बहुत थी इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे ही चलते हैं। तो गामंतावला, अल्लाह से मुराद ये है जी मैं तो गया हूँ पहुँच, तो यहीं पे उतरना है। लो जी दोस्तों मैं उतर गया हूँ, हेलो नेहा, मैं उतर गया हूँ यहीं पे, और आगे मुझे और सफ़र तय करना है वो पैदल, लेकिन वहाँ जाके एक अलग सी नई दुनिया है, वो मैं देखूँगा बाद में। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, आज का व्लॉग ख़त्म होता है जी दोस्तों यहीं पे। और मेरी वीडियोस कैसी हैं, मैं हूँ नानजिंग में, चाइना का एक बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है, आप मुझे बताएं कि कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है मेरा सफ़र। तो अपना रखें ख्याल, मेरी वीडियोस को करें देखें, लोगों को बताएं, चैनल को करें सब्सक्राइब। अपना रखें ख्याल, थैंक यू सो मच।